कल्पना कीजिए कि आप जनवरी की इस ठंड में कश्मीर में हैं और बर्फबारी की वजह से फंस जाइए, वो भी एक दो घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों के लिए। ऊपर से खाने खरीदने का पैसा भी खत्म हो जाए। यह कल्पना करते ही देह में सिहरन दौड़ने लगती है। लेकिन यह महज कल्पना नहीं है, गाजीपुर के 11 लोगों की असली वाली कहानी है जो पिछले दिनों उनके साथ घटी। हालांकि इस कहानी का अंत सुखांत हुआ और सुखांत होने की वजह रहे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने इस मामले को जानते ही अपने गृह जिले के इन सभी लोगों की मदद की, तत्काल रूप से सभी सरकारी तंत्रों को इनके बचाव में लगा दिया, जिसके बाद ही इन सभी की सुरक्षित घर वापसी संभव हो सकी। कुलगाम में फंसे थे गाजीपुर के 11 लोग। गाजीपुर के 11 दोस्तों को उनकी कश्मीर यात्रा इस बार भारी पड़ गई। ये 11 लोग कश्मीर के कुलगाम में बर्फबारी में फंस गए। फंसे हुए 5 दिन बीत गए और रसद पैसा सब खत्म हो गया। ऐसे में जब जान की आफत बन आई तो इन दोस्तों ने ट्विटर पर अपील शुरू की। ऐसे में इनके लिए देवदूत बनकर आए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इन 11 लोगों में से एक आशीष यादव ने ट्विटर पर मदद मांगी थी। उन्होंने LG मनोज सिन्हा को टैग करते हुए उनसे मदद मांगते हुए लिखा, मैं आप लोगों से सादर अनुरोध करता हूं कि हम 11 लोग गृह जनपद गाजीपुर से हैं और पिछले 5 दिनों से कुलगाम श्रीनगर में बिना खाने पीने और पैसे के यहां फंसे हुए हैं। श्रीमान से निवेदन है कि हम प्रार्थी को यहां से अपने गृह जनपद जाने की व्यवस्था करें। इसके बाद तत्काल रूप से मनोज सिन्हा ने अपने गृह जनपद के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के पूरे सरकारी तंत्र को इन सभी लोगों की मदद में लगा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने के बाद इन दोस्तों में एक अरुण श्रीवास्तव ने यह पूरा वाकया ट्वीट कर बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 5 दिन से हम 11 दोस्त गाजीपुर के रहने वाले हैं और श्रीनगर में बर्फबारी में सड़क पर फंसे हुए थे। यहां 3 डिग्री से भी कम टेम्परेचर था। हमारे पास पैसे खत्म थे और खाने की भी परेशानी थी। उसके बाद हम लोगों ने मनोज सिन्हा जी के गाजीपुर के एक सहयोगी से बात की। उन भैया ने हमारी बात मनोज सिन्हा जी तक तुरंत पहुंचाई और फिर मनोज सिन्हा जी ने हमारी तुरंत मदद की। अरुण आगे लिखते हैं कि हमारे पास सभी बड़े अधिकारियों का फोन आया और हमें सड़क पर से ले जाने के लिए एक सरकारी गेस्ट हाउस में जगह दी गई। फिर अगले दिन हमारे पास वहां के SP साहब का फोन आया और हमें चेक पोस्ट पार करवा दिया गया। इस तरह से हमें एक नया जीवन मनोज सिन्हा जी ने हमारी जान बचा कर दी। माननीय मनोज सिन्हा जी को मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, बहुत जगह बहुत तरीके से फंसे हुए थे, काफी मुश्किलें आई। बट उन्हें एक बार ट्वीट करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उनकी टीम ने जिस तरह से हमारा सपोर्ट किया और आज हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब जम्मू के अंदर बैठे हैं और कल हमारी ट्रेन है, हम गाजीपुर के लिए कल चले जाएंगे। तो मैं अपने और अपने पूरे मित्र 11 दोस्तों की तरफ से, कहने का मतलब आपको जब आप जो हेल्प के लिए जब कॉल करते थे तो आपको किस तरीके का हेल्प मिलता था ये बताइए आप। मुझे मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर मुझे हर तरीके के जो मैं पूछता था या जो मैं चाहता था उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता था। तो इसीलिए मैं फिर से दोबारा से कहना चाहूंगा माननीय मनोज सिन्हा जी को मतलब तहे दिल से शुक्रिया मेरी और मेरे सारे दोस्तों की तरफ से, जिन्होंने इतना अच्छा और इतना जल्दी से जल्दी चीजों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके और हम लोगों को उस जगह से बाहर यहाँ पर आज अपने घर जाने के लिए जम्मू के अंदर बैठा दिया लाकर। इसलिए मैं माननीय श्री मनोज सिन्हा जी जो कि श्रीनगर के उपराज्यपाल हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो हम 11 सदस्यों को जो कि गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, उनको काजीगुंड में फंसे होने के कारण 5 दिन हम लोग वहाँ फंसे थे। उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमको 5वें दिन हम लोग को निकाला वहाँ से और बाकायदे हमको पूरा जम्मू तक पहुँचाया। उसके लिए मैं माननीय श्री मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ ब्रीफ.com।